स्टार प्लस के सीईओ ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी बहुत बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। हाई पॉइंट ये कि नन्हे अबीर को पता चल जाएगा कि अभिनव उसका पिता नहीं है, और ये कैसे होगा ये हम आपको अब बताते हैं। अभिनव दरअसल आजकल बहुत गिल्ट में रहता है, जब से उसे पता चल गया है कि अभिमन्यु को इस बात का पता चल चुका है कि अबीर उसका खून है, तब से अभिनव को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि कभी भी किसी भी मोड़ पर किसी भी वक्त अभिमन्यु आकर अबीर को उससे अलग कर देगा, और ये चिंता आए दिन अभिनव को सताती ही रहती है। इसलिए वो अबीर के बारे में सोचता ही रहता है, और यही बात अक्षरा से कहता हुआ नजर आता है। पापा है तो ये बात अबीर सुन लेता है और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो रो रो कर अपने कमरे में चला जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और अपने आप से खुद से पूछता है, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई पापा, और अगर आप मेरे पापा नहीं हो तो मेरे असली पापा कहाँ हैं, वो मुझसे अब तक कभी मिलने क्यों नहीं आए। अक्षरा जाकर अबीर को समझाने की कोशिश भी करेगी लेकिन वो नाकामयाब हो जाएगी। अब वो मोड़ आ चुका है जब अक्षरा की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अबीर अब जिद करेगा कि उसे अपने असली पापा से मिलना है। आखिर कब तक अक्षरा अबीर को उसके पापा से दूर रखेगी। अबीर को एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि उसके डॉकमैन यानी अभिमन्यु ही उसके पापा हैं। अक्षरा, अभिनव और अबीर जब से कसौली आए हैं तब से अक्षरा ने एक नया बिजनेस शुरू किया है, एक होटल का। कसौली में आए हुए सभी टूरिस्ट इनके घर पे स्टे कर सकते हैं और घर का खाना एंजॉय कर सकते हैं। इनके इसी बिजनेस का सबसे पहला टूरिस्ट बना अभिमन्यु, जो अपने बेटे अबीर को अपने साथ ले जाने आया था। अभिमन्यु को अपने दरवाजे देखकर अभिनव और अक्षरा दोनों हक्के बक्के रह गए। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि अभिमन्यु उदयपुर से कसौली तक सिर्फ और सिर्फ अबीर को लेने आ जाएगा। लेकिन अभिमन्यु तो अभिमन्यु है, वो बहुत जिद्दी किस्म का है, तो उसने जो एक बार ठान ली वो उसे ज़रूर करके रहता है। और अब तो अबीर को पता भी चलने वाला है कि अभिनव उसका पापा नहीं है, तो फिर ऐसे में तो अबीर ज़रूर अभिमन्यु के साथ वापस चला जाएगा। फिर क्या होगा अक्षरा और अभिनव का? इस सीरियल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।